इस वीडियो में मैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन के बारे में डिटेल्ड बात करने वाला हूँ। जब बच्चा ख़राब होता है तो कुछ भाग प्रेगनेंसी का बच्चेदानी ही में रह जाता है। जब प्रेगनेंसी 5 महीने से कम की होती है तो हम इसे मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। किसी किसी केस में बच्चा ख़राब होने के बाद ब्लीडिंग के साथ साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन किसी किसी केस में यह भी होता है कि बच्चे का कुछ बॉडी पार्ट्स या प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स या जेस्टेशनल सैक बच्चेदानी ही में रह जाता है, पूरी तरह से एबॉर्ट नहीं होता है। कुछ जेस्टेशनल प्रोडक्ट यूटराइन कैविटी ही में फंस जाता है। इस फंसे हुए बचे हुए प्रोडक्ट को हम रिटेंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहते हैं और इस तरह के एबॉर्शन को हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। इस केस में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग एक ही बार में पानी की तरह तेज़ी के साथ भी हो सकती है या थोड़ा थोड़ा थक्का थक्का भी हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ट्रीटमेंट में डीले करना टेरिबल हो सकता है। कभी कभी ब्लीडिंग इतनी बढ़ जाती है, इतनी हो जाती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब जब बच्चा ख़राब हो गया है, हालांकि ये एक दुखद अनुभव है, लेकिन अब आपको क्विक ट्रीटमेंट कराना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा बना रहता है। ट्रीटमेंट में गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है। गायनोकोलॉजिस्ट आपको पहले MTP पिल्स देती हैं ताकि जो कचड़ा फंसा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए इस दवा को लेने के बाद, और फिर आपको कहती हैं दूसरे दिन आने के लिए। दूसरे दिन वॉशिंग, जिसे हम DNC कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट करती हैं। फिर कुछ ज़रूरी दवाएं प्रेस्क्राइब करती हैं, कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब करती हैं, इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन कि ये ऐसा क्यों हुआ, बच्चा क्यों ख़राब हुआ। और उसी दिन आपको, अगर आप सुबह में एडमिट होती हैं, तो वॉशिंग करने के बाद आपको शाम तक डिस्चार्ज कर देती हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि यूट्राइन कैविटी में रेसिडुअल पार्ट्स हैं एबॉर्शन के। एबॉर्शन हुआ है लेकिन कंप्लीट एबॉर्शन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है। यूट्राइन कैविटी में हमें फ्लूइड भी मिल रहा है और कुछ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये निशानी है इनकम्प्लीट एबॉर्शन की। जब बच्चा ख़राब होता है तो पूरी तरीके से वॉश आउट नहीं होता है, कुछ रिमेन्स ऑफ कंसेप्शन यूट्राइन कैविटी में रह जाते हैं, फंस जाते हैं। और जब हम इस तरह का केस अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो रिपोर्ट में, इम्प्रेशन में हम लिखते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। यूट्राइन कैविटी में आप देख सकते हैं अवशेष हैं कंसेप्शन के। यूट्रस बल्कि है, ओवरी दोनों नॉर्मल है और यूट्रस के सेंटर में हमें ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जेस्टेशनल सैक मोर लाइकली है और उसके अंदर कोई हमें फीटल बॉडी नज़र नहीं आ रही है, कोई ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है जब हम कलर डॉपलर कर रहे हैं। ये जी सैक है, ब्लैक स्ट्रक्चर, ये पूरी तरह से ये जी सैक निकला नहीं है, एबॉर्ट नहीं हुआ है, यूट्राइन कैविटी ही में फंसा हुआ है, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहेंगे। यूट्रस यूरिनरी ब्लड इसमें, इस केस में ब्लीडिंग के साथ पेल्विक पेन होता है, सुप्रा पेल्विक
और पेल्विक टेंडरनेस रहता है, काफ़ी पेन हो सकता है, काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, थक्का थक्का करके ब्लड गिरता है, वीकनेस हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी किसी केस में पानी की तरह छर 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 ब्लड निकलता है, उस केस में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। इसलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए गायनेकोलॉजिस्ट एक गाइडलाइन तैयार करती हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइन, और उस गाइडलाइन के हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देती हैं। अक्सर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं मिस्ड अबॉर्शन के केस में, ये हमें अक्सर देखने को मिलता है।